हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ राबिया सिद्दीक सीएच। तो आज का व्लॉग मैं अपना रात को शुरू कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा आज का व्लॉग क्या। आज का व्लॉग शुरू ही रात को होना चाहिए, तो आज है शबे बारात, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूंगी। अभी मैंने अपना व्लॉग शुरू किया सुबह से, मैंने इसलिए नहीं किया था, आज मैंने बहुत काम करने थे, फिर मेरे सारे काम डिले हो गए क्योंकि मेहमान आ गए थे कुछ, बाकी बच्चों वगैरह में मैं खेलती रही हूँ। तो अभी मैं फारिग हुई थी, मैं नहा के आई, और फिर नहा के आने के बाद मैंने व्हाइट कलर के क्लॉथ पहने हैं। तो आज मैंने गेट रेडी विद मी करते हैं, थोड़ा सा मैंने नहा के आई तो मैंने सीरम लगाना, थोड़ा सा बस तैयार होना, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो चीज़ें जो मैं अपने प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ स्किन केयर के, मैं आप लोगों को पहले वो दिखाती हूँ। ये मेरी कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सीरम है मेरा लोशन है जो मैं हाथों पे लगाती हूँ, तो ये मेरा लोशन है जो मैं फेस पे लगाती हूँ, लिप बाम, हल्के से लिपस्टिक अगर मैंने लगाई तो ये मेरी आय है, ये मेरी स्किन केयर है छोटी सी। तो अभी हो चुका है एक मसला, मेरे पास रिंग लाइट नहीं है अभी, तो अब देखते हैं मैं कौन से अपने स्टैंड पे लगाती हूँ। स्टैंड पे लगाऊंगी ना सामने, फिर अपनी स्किन केयर थोड़ी सी दिखाऊंगी। तो अब मेरे पास एक स्टैंड है, देखते हैं उस पे लगाते हैं, नीचे बैठते हैं और थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं। स्किन केयर तो नहीं, बस मतलब स्किन प्रेप कर लेते हैं और बालों पे कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। अभी बहुत ही मेहनत के बाद मेरा ये कैमरा सेट हो चुका है, बहुत ही जो हिल रहा है, और मैं अपना दुपट्टा वगैरह सिल कर, ये रहा मेरे पास, मैं अपनी चेयर, इस पे मैंने अपना सारा सामान रखा, ऐसे सामान मैं अपने यहाँ टेबल पे भी रख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सीरम लगा रही हूँ अपने बालों पे, तो ये मैं ले लूँगी थोड़ा सा अपने हाथ पे और इसको लगा लूँगी अपने बालों पे। मैं अपने बालों पे लगा लेती हूँ, वैसे मैं तेल नहीं लगाती बालों पे, लेकिन मैं कभी कभार ना सीरम वगैरह लगा लेती हूँ बालों पे, बहुत अच्छे होते हैं ये। नीचे एक और भी पड़ा है जो लगा लेती हूँ। तो अभी मेरा डन हो चुका है सीरम, तो अभी मेरे बालों का तो डन हो चुका है। अब मैं अपने हाथों पे सबसे पहले लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। हाथों पे मैं हाथों पे प्रॉपर लगाती हूँ सारा, मतलब मुझे बहुत हाथों की केयर करना, और मुझे मतलब हाथों की केयर करना अपने बहुत मुँह से भी ज़्यादा मुझे इन हाथों की केयर पसंद है, तो इसलिए मैं हाथों पे ज़रूर लगाती हूँ। और रात भी हो चुकी है ना, तो रात को भी आप लोग ना लगा सकते हैं ये चीज़ें। अब सेकेंडली मैं ये लगाऊंगी अपने फेस पे, जो थोड़ा सा ही मैं लगाऊंगी, मतलब ज़्यादा नहीं मैं लगाती क्योंकि मुझे फेस पे पता नहीं क्यों कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैं फेस पे इतना ज़्यादा नहीं लगाती। तो ये मैंने ले लिया हाथों पे, तो अब मैं ये लगा के फिर आती हूँ शीशे में, देख के ऐसे ना मुझे यहाँ पर सही से दिख ही नहीं रहा। तो अभी मेरी जो है स्किन पे भी लग चुकी है, तो अब मैं थोड़ा, मैंने ये ना ब्राउन कलर का मेकअप था थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, फिर ये लगाने के बाद ना वैसलीन लगा लेती हूँ बस मैं ऊपर। मैं ज़्यादा वैसलीन लगाती हूँ, मैं ज़्यादा ना ये नहीं लगाती हूँ, क्या कहते हैं इसको, लिपस्टिक वगैरह लग चुकी है। तो बस मैं अपने बालों को बांध लूँगी पीछे अभी थोड़े से सूखने के बाद। स्किन केयर मैंने इतनी दिखाई है, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, रात का टाइम है, थोड़ा खाना खाते हैं और फिर आगे दिखाते हैं मैं क्या करती हूँ। अभी अहमद ने मुझे कहा था हम बाहर चलते हैं, तो अब देखें, अहमद तो पहले ही मेरे ख्याल से चले गया शायद मुझे लेके जाए, तो अभी देखते हैं अहमद नीचे है या नहीं, फिर मैं उसे कहती हूँ मुझे बाहर ले जाओ, थोड़ा सा मोबाइल छुपा के ले जाएंगे, छोटा सा मेरा मोबाइल है कहीं भी फंस जाता है, और थोड़ा सा ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी बस स्किन केयर यहीं तक की थी, अब आगे जो भी होता है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। सामान पकड़ लिया, अब हम चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे की सूरत हाल, तो लेट्स गो। तो बस मैं गो होने लगी हूँ, गो लाइटें बंद करके। पहले मैं आप लोगों को बाहर दिखा देती हूँ, बाहर ना मतलब धुआं हो रही है, तो आप लोग सुन सकते हैं हर तरफ ये धुआं, कह रही थी मैं ये इबादत की रात है ना आज। अभी मैं अपना खाना प्रिपेयर कर रही हूँ, आज मेहमान आए हुए थे बहुत, इसी वजह से मेरा थोड़ा खाना लेट हो गया, तो मैंने बोला बस खाना दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालना भी पड़ता है ना, ख्याल भी रखना होता है, पता है जब मेहमान आते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है ना उनका, तो इसीलिए मैं अपना खाना तैयार कर रही हूँ और फिर मैं खाना खाऊंगी। और आज है शबे बारात, तो हम करेंगे आज इबादत थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की, और इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। बस आज के लिए इतना ही आप लोगों से शेयर करूँगी, मैं जल्दी से अपना खाना तैयार कर लेती हूँ सारा, और फिर ऊपर लेके जाते हैं और इसको खाते हैं बस। बाकी इसमें मम्मा ने आज बनाई हैं टिक्कियाँ, मैं एक ही लूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाना, मुझे पता है। आज बना था चिकन, मैं चिकन लूँगी और रोटी, बस रोटी जल्दी से डालते हैं, रोटी की तरह ये रही रोटी, ये तंदूर की मेरा खाने का दिल कर रहा है, आज तंदूर की बची है, तो ये मेरा आज का खाना है। मैं ये खाना खाऊंगी, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, खाना खाऊंगी और मैंने अभी शावर लेना है, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं तैयार हूँगी। तो अभी बस मैं ये खाना खाती हूँ, अभी मैं शावर लेके आई थी आप लोगों को, मैंने इंट्रो भी दे दिया, तो आगे हम देखते हैं क्या करना है अभी।
कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट। यार आज का दिन मेरा बहुत गंदा गुजरा है, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया आज। शैडो अच्छी आ रही है। अबे शैडो के चक्कर में इसने मेरे पैर के ऊपर चला दी भाई। जैकड़ भाई कौन से अंकल? मैडम ये वाले। तो अभी हमारे पास तैमूर आ चुका है, इधर देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी मैंने इबादत भी कर ली और मैंने सोचा सुबह का रोजा रखूंगी, अगर मम्मा मान जाती हैं तो इट्स मीन मैं रोजा रखूंगी और वो व्लॉग अब अलग ही बनेगा क्योंकि ये आज का जो है शबे बारात का व्लॉग मैंने बनाया था थोड़ा बहुत। तो शबे बारात पे क्या होता है कि जो इंसान की किस्मत के फैसले होते हैं और इंसान के पत्ते कटते हैं, मैं आप लोगों को बता रही थी किस्मत के फैसले होते हैं और पत्ते कटते हैं, जो लोग अगले साल फोत होने वाले होते हैं उनका पत्ता कट जाता है मतलब उसी साल में। तो ये शबे बारात है और इस दिन इबादत करते हैं, अल्लाह ताला इंसान के बहुत करीब होते हैं और अल्लाह ताला इंसानों की दुआएं सुनते हैं, मतलब हर टाइम अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा मतलब होता है इबादत वाला और इस दिन इबादत करनी चाहिए। आप लोग भी ज़रूर इबादत करें और नमाज़ें पढ़ा करें और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज सिर्फ पढ़ूँ नहीं, नमाज को कायम भी करूँ। तो मैं कोशिश करूँगी और ज़रूर मतलब पूरा और कल का देखते हैं मैं रोज़ा रखती हूँ या नहीं, तो वो भी आप लोगों के सामने व्लॉग शेयर कर दूँगी। तो अभी बस इतना ही है, मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया, मुझे सारे ये ना करना इबादत का व्लॉग बना रही है, मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया इंसान अच्छी चीज़ें भी तो दिखाता है ना, मतलब हर चीज़ दिखाता ही है, मतलब बुरी चीज़ भी दिखाता है, हर तरह की बेहूदगी दिखाता है, लेकिन इंसान इबादत क्यों नहीं दिखाता। मैं जो हूँ ना सही बात बताऊँ, मैं एक वीडियो को देख के मोटिवेट हुई थी कि हमें भी इबादत करनी चाहिए, अपनी आम रूटीन में तस्बीह पढ़नी चाहिए। मैं इंस्पायर हुई थी एक बच्ची को देख के जो मेरे से भी छोटी थी, वीडियो एक देख के उसका ब्लॉग देख के, तो मैंने सोचा मैं भी अगर बनाऊँगी तो हो सकता है मुझसे कोई इंस्पायर हो, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।